महालक्ष्मी पूजा नवयुवक समिति मोहनलालपुर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री श्री महालक्ष्मी पूजा नवयुवक समिति और सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्वार समिति के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को सूर्यकुंड धाम परिसर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सूरजकुंड धाम परिसर में बने विशालकाय पोखरे पर भव्य कलश पूजन करने के बाद भक्तों ने पोखरे से कलश में जल भरकर भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया। भव्य कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं रंग बिरंगे सुसज्जित कलश में जल भरकर पूरे हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुईं। इस अवसर पर भजन गायक नंदू मिश्रा ने गणेश वंदना से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महामंत्री सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्वार समिति अमरदीप गुप्ता ने कहा, अच्छा रखिए पहले यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो है वहाँ पर छोड़ते हैं। दोनों बोलिएगा, उधर भी जाएगा इधर। अमरदीप गुप्ता। श्री श्री महालक्ष्मी पूजा के 50वें वर्ष पूरे होने पे एक महायज्ञ का आयोजन किया गया, 3 दिवसीय महायज्ञ। और ये महायज्ञ श्री राम जन्मभूमि
पे भव्य मंदिर निर्माण के लिए मनोकामना पूर्ति हेतु महायज्ञ किया जाएगा जो कि 5 तारीख से 7 तारीख तक चलेगी। उसी के उपलक्ष्य में ये क्या भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये सूरज कुंड धाम से पवित्र सरोवर से निकालकर माधोपुर, सिधारीपुर, निरंकारी भवन होते हुए सूरज कुंड चौराहे पर जाएगी। सूरज कुंड चौराहे पर अयोध्या के और क्या मैं अयोध्या राम जन्मभूमि के न्यास के श्री राम श्री राघव राघवेश दास वेदांती जी यात्रा का स्वागत करेंगे और अपना उद्बोधन देंगे। काफ़ी उत्साह बना है कि क्या मैं भव्य राम मंदिर सबके मन में है कि रामलला विराजमान हो और उनका एक भव्य मंदिर का दृश्य सबके सामने आए। सबकी मनोकामना है, सब इसी उपलक्ष्य में आए हुए हैं कि भव्य मंदिर निर्माण हो। सबकी यही प्रार्थना है, सबकी यही मनोकामना है। माँ लक्ष्मी से मनोकामना करेंगे कि भव्य राम मंदिर जल्द से जल्द जितनी भी उसमें अड़चनें आ रही हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, उसको माँ लक्ष्मी दूर करें और जल्द से जल्द क्या मैं भव्य कला से भव्य क्या मैं राम मंदिर निर्माण हो।